मंत्री बनवाने के लिए मांगे 167 करोड़ रुपए। खबर का शीर्षक पढ़कर आप चौंक ही गए होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यही है कि एक ठग मध्य नागपुर के विधायक विकास कुंभारे को शहरी विकास मंत्री बनाने वाला था। इतना ही नहीं, वह विधायक टेकचंद सावरकर को मंत्री बनाने वाला था। खुद को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पीए बताकर यह ठग सेटिंग के नाम पर विधायकों से पैसा मांग रहा था। इसकी शिकायत कुंभारे ने पुलिस को की थी। कई दिनों से इस ठग की तलाश की जा रही थी। आखिर उसे अहमदाबाद के मोरबी से गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया यह शख्स नीरज सिंह राठौर बताया गया है। अब देखना यह होगा कि आखिर नीरज ने भाजपा के कुछ चुनिंदा विधायकों को ही क्यों चुना। कुंभारे को समझ आ गया कि फ़ोन करने वाला कोई ठग है। उन्होंने सीपी अमितेश कुमार से मिलकर शिकायत की। सीपी ने तुरंत नीरज की कॉल डिटेल्स खंगालने और लोकेशन का पता लगाने के आदेश दिए। पिछले 4 से 5 दिनों से पुलिस अहमदाबाद में नीरज की तलाश में जुटी थी। मंगलवार की शाम उसे मोरबी से गिरफ्तार किया गया। नीरज ने बताया कि वह कई विधायकों को कॉल कर चुका है। महाराष्ट्र के अलावा गोवा और नागालैंड के 2 विधायकों के बीच संपर्क में था। गोवा के प्रवीण आरलेकर और नागालैंड के बासा मोवाचेंग को भी वह मिनिस्ट्री दिलाने वाला था।